तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मेरे साथ एक इतने सीनियर एथलीट और जबरदस्त एथलीट बैठे हुए हैं कि जिनसे मैं आपको बात करवाऊंगा तो आपको दिल की खुशी होगी, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियन है और ये IBBF से वर्ल्ड चैंपियन है। आप समझ सकते हैं कि IBBF से वर्ल्ड चैंपियन मेरे साथ जब बैठे हैं तो उनकी जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। तो बने रहिए, तो स्वागत करें हमारे राज भाई का। हेलो भाई, थैंक यू। कैसे भाई आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं भाई? आपसे मिलके दुगना बढ़िया हो गया भाई मैं। पर भाई शुरू करते हैं भाई आपकी जर्नी के बारे में। भाई शुरुआत कहाँ से होती है भाई आपकी जर्नी की? शुरुआत हुई बॉडी बिल्डिंग का। एक्चुअली मैं जब 7th क्लास में था तो 7th क्लास में उस टाइम में जब था मैंने घायल मूवी देखी थी। अच्छा। और मेरा फेवरेट एक्टर सनी देओल था। भाई आप हो कहाँ से भाई एक्चुअली? मैं उड़ीसा से हूँ भाई। मतलब आप उड़ीसा और पंजाबी एक्टर आपको? मुझे सनी देओल बहुत पसंद था, तो सनी देओल की जो घायल मूवी मैंने नाना करके 40 बार देखी है। 40-42 बार देखी है मूवी। और खासकर वो जो पसंद आया जिसमें वो एक्सरसाइज करता है, पुशअप्स, चिन अप्स और वेट लिफ्टिंग, वो देख के फिर मैं अपने घर के आसपास देखा कि कहाँ पर जिम, बट वहाँ पर कोई ऐसा जिम नहीं था। एक क्लब था, छोटा सा क्लब था जहाँ पे थोड़े बहुत डंबल फ्री वर्ड्स थे। तो वहाँ पे जाके बेसिकली हम जब गए तो मैं और मेरा एक और मेरा दोस्त भी था, तो मैं बोला कि चल हम भी थोड़ा बहुत ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी भी थोड़ी बहुत बनेगी। अच्छा। तो फिर वहाँ गए तो वहाँ पे जो एक था वो खान नाम के कोच टाइप थे, मतलब वो क्लब ही संभालते थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी ये सब टच नहीं करना है। अच्छा। हाँ, कोई भी वेट से आपको टच नहीं करना, डंबल के लिए मना कर दिया। ना, डंबल के लिए सीधा मना कर दिया। बोला कि नहीं डंबल नहीं टच करना है, प्लेट्स नहीं, कोई रॉड नहीं, आप जाके डेली 100 पुशअप्स लगाना है, 100 चिन अप्स लगाना है और 200 पुशअप्स फ्री स्क्वाट्स ये करना है। और ये हमने 3 महीने तक किया था, डेली आना है, शाम को 5 बजे आना है और 6 बजे तक ये तीनों करते थे। अच्छा। ये 3 एक्सरसाइज, पुशअप्स, चिन अप्स एंड फ्री स्क्वाट्स। और 200 के हमने धीरे धीरे उसको बढ़ा के 500 कर दिया भाई। चेंजेस नज़र आए थे 100%? काफ़ी, 3 महीने में मेरा बॉडी का फ्रेम तैयार हो गया था। अच्छा। मतलब हर कोई टोकता था कि एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब एक नॉर्मल बंदा सा मैं एक मतलब एक्सरसाइज वाला बंदा दिखने लग गया था। हर कोई बोला कि तो एक्सरसाइज कर रहा है, बोला हाँ हाँ। तो यही शुरुआत यहीं से, मतलब एक अंदर से स्पार्क आया। फिर और मुझे जो बॉडी बिल्डर्स के जो पोस्टर्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट करता था। अच्छा। हाँ, मैं घर पे लेके अपना जो स्टडी का टेबल था उसके ऊपर लगा के रखता था। अच्छा। हाँ, भाई उनको देखते हाँ, देखते पढ़ाई ली हानी, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और जो सिल्वेस्टर स्टालोन, इन सभी का फोटो में लगा के रखता था। भाई ये कौन से सन की बात है, क्योंकि मेरे को याद है 90s में ये बहुत रॉकी मूवी ये सब बहुत चलन में थी भाई। 1990 में भाई ये सब। उसके बाद फिर मैं 97 में आया जो एयरफोर्स में भर्ती हुआ, तो एयरफोर्स में भर्ती होने के बाद मेरा मतलब जो बोलते हैं ना सितारा ही बदल गया। अच्छा। सब कुछ चेंज हो गया मेरा, मतलब मुझे एकदम से एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अच्छा प्लेटफॉर्म। एयरफोर्स में भाई पढ़ाई से अपने एंटर करी थी? पढ़ाई से मैंने एंटर किया, नॉर्मल मैंने एग्जाम दिया था, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, साइंस, मैथ। मैं साइंस का भी स्टूडेंट था, आफ्टर 12th मैंने BSc फर्स्ट ईयर में था तब BA मैंने एग्जाम दिया था, एग्जाम दे के भर्ती हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ पे उसके बाद मैंने जैसे 90s के बाद ना मैं सर्विस भर्ती होने तक एक्सरसाइज करता रहा। अच्छा भाई। कोई ऐसा जिम नहीं करता था, बस ये सब पुशअप्स करना है, चिनअप्स। बोलो कम से कम मैं 6-7 साल मेरा बॉडी ऑलरेडी फ्रेम बना हुआ था, अच्छा खासा फ्रेम बना हुआ था मैं जब सर्विस में भर्ती हुआ था। तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग जो इंस्ट्रक्टर थे, जो बेसिक ट्रेनिंग होते वहाँ पे इंस्ट्रक्टर देख के उन्हें काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, तो उन्होंने मेरे को एक लेटर बना के जिम की तरफ भेज दिया। अच्छा। हाँ, कि आप जाओ जिम में, जो वहाँ पे जो कोच है उनसे मिलो। अच्छा। हाँ, तो भाई ये होता है क्या सर्विसेज में कि जैसे आपको कोई, क्योंकि एक तो डिसिप्लिन तो वहीं से आपको मिलना शुरू हो गया था। डिसिप्लिन आपको वहाँ से आ गया, तो आपको आपकी फ्रेम देख के उन्होंने आपको आगे पुश करा, आगे पुश करा दिया। और बाकी सब कुछ तो मिल गया, जैसे प्लेटफॉर्म मिल गया, जिम मिल गया, कोच मिल गया, सब कुछ। लेकिन इसके बाद आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, आपके अंदर कितना डिसिप्लिन फॉलो करने का कैपेसिटी है, कितने जुनून आपके अंदर, ये सब ज़्यादा मैटर करता है। तो जुनून तो मेरे अंदर था ही, तो बट इतना नहीं कि जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनूंगा, बट लेकिन अच्छा एक बढ़िया फिजिक बनाने का जुनून था। अच्छा, भाई एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप सिल्वेस्टर स्टैलोन को देखते हैं, आपको मन में लगता है कि यार अब मेरा चांस लग गया तो मैं करके रहूँगा? करके रहूँगा था मन में। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने फर्स्ट पोस्टिंग मेरी भटिंडा थी। हाँ, भटिंडा गया, वहाँ पे फिर नॉर्मल जो एयरफोर्स की जॉब बना, ऑफिशियल जॉब भी वहाँ पे 6 महीने किया, लेकिन मन नहीं लगा मुझे। हाँ, मुझे लगा कि नहीं कुछ मैं कुछ और मेरा अंदर है करने का, ये मेरे लिए नहीं है। फिर मैं
छुट्टियाँ, एक महीना की लीव आया था, लीव से फिर वहाँ पे मैंने बात करी थी जो बठिंडा में, तो उन्होंने बताया था कि आप दिल्ली में सुब्रत पार्क चले जाओ, वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का टीम है, जो सर्विसेज की जो एयरफोर्स की जो टीम है ना वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके अप्रोच करो, हो सकता है आपको कुछ रास्ता मिल जाए। फिर मैं छुट्टी से जब वापसी आने के टाइम में मैंने फिर यहाँ पे आके सुब्रत पार्क में मिला। अच्छा। हाँ, बॉडी बिल्डिंग टीम से मिला। फिर मैंने तो उन्होंने मेरा कपड़े उतार के सारे देखा बॉडी, तो उन्होंने बताया कि हाँ आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, आप आगे कर सकते हो। तो उन्होंने फिर लेटर लिख के भेज दिए, कहाँ पे बठिंडा भेज दिए कि ये स्पोर्ट्स में ही रहेगा। उसके बाद मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी शुरू। भाई सर्विसेज में तो मैंने देखा कि बहुत कोई अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर सर्विसेज में है। अच्छा, मैं जिस टाइम में था मतलब सारे मेरा यहाँ तक पहुँचने का सबसे बड़ा हाथ है उन्हीं का। अच्छा। प्रसाद कुमार सर, फॉली सर, केएलएमबी प्रसाद सर थे, भक्त कुमार सर, ये सारे बड़े बड़े हस्तियाँ थे। जो फॉली सर मिस्टर एशिया थे, प्रसाद कुमार सर 16-17 टाइम्स मिस्टर इंडिया। आप एक दो बार मिस्टर इंडिया होने के बाद यहाँ तो सारे जैसे पागल हो गए घूमते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, बट आप 16-17 टाइम्स इट्स नॉट ए जोक। और भाई उस टाइम में मैं बता दूं कि अभी तो बहुत चीज़ें मार्केट में हैं। हाँ। उस टाइम बिल्कुल बस एक डिसिप्लिन नाम की जो चीज़ थी वही मार्केट थी बस। और बॉडी बिल्डिंग इज टोटली डिपेंड ऑन डिसिप्लिन, हार्डवर्क और डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। ना उस टाइम में कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ना ये सब कुछ था, कुछ नहीं था, ओनली डाइट, वर्कआउट और आपको डिसिप्लिन फॉलो। टाइम टू टाइम डाइट लेना है, टाइम टू टाइम वर्कआउट करना है, टाइम पे रेस्ट लेना है। क्योंकि भाई आज ना जनरली मेरे को भी क्वेश्चन यही आते हैं कि भाई कौन सी चीज़ पहले शुरू कर दे। आजकल लड़के उनको डंबल भी पकड़ना नहीं आता है, आते ही कि सर कौन सा सप्लीमेंट स्टार्ट करें, कौन सा साइकिल चलाएं, यहाँ तक भी बात करते हैं। एक्सरसाइज तो पहले सीखो, पहले मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन ये कोऑर्डिनेशन ये बहुत जरूरी, ये सब कुछ तो सीखो ना, ये उनको पता ही नहीं है। मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है उनको पता नहीं, बस ये सोचते हैं कि सामान डाला, वेट उठाया और बॉडी बन गई। भाई ऐसी एक चीज़ जो आप यंगस्टर को इसी बात पे मैसेज देना चाहते हो, जो आपको बस मतलब होता है कि नॉलेज में है कि मैंने ये चीज़ बोलनी है। हाँ, मैं जो आजकल के यंगस्टर को मैं इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पुराने और जो अचीव कर चुके हैं उनसे आप वो जैसे बोलते हैं उनसे उनको फॉलो करो। और नॉर्मली जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ कि जो सप्लीमेंट वाले होते हैं, आप कोई भी सप्लीमेंट वाला चाहे आप कितना भी मुझे बुरा मानो कुछ भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हकीकत है, मेरे सामने ही हो रहा है। सप्लीमेंट वाला है जिन्होंने कभी आज तक एक गोली भी नहीं खाई, इवन सप्लीमेंट तक भी नहीं लिए, वो मिसगाइड करते हैं, साइकिल बना के देते हैं नए नए लड़के को, और नतीजा क्या होता है, किसी का किडनी ख़राब हो जाती है, किसी का लीवर ख़राब होता है, कोई हॉस्पिटलाइज होता है। अभी हाल में हफ्ता दो हफ्ता पहले मेरे पास उत्तम नगर से फ़ोन आया था एक बंदे का कि वो किसी को शायद कराता था या पता नहीं उसका कोई ट्रेनर कराता, वो हॉस्पिटलाइज है और उसका फादर रो रहा है, कोमा में है वो, आईसीयू में, कि सर आप आ जाओ एक बार देख लो उस बंदे को तो हो सकता है। मैं बोला कि मुझे कैसे पता लगेगा कि उसका क्या चल रहा था, क्या सामान चल रहा था, क्या ले रहा था, ऐसे कैसे मैं बताऊँगा, खुद ही खुद ही साइकिल बना के जिन्होंने आज तक एक गोली भी नहीं खाई होगी वो कैसे आपको साइकिल दे रहे, और जो बेवकूफ़ लड़के हैं वो कैसे उसको फॉलो भी करते हैं। आपको फॉलो करना है जो ऑलरेडी अचीव किया हुआ है, जो इसका ऑलरेडी बेसिस 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे जाके आप साइकिल बनाओ या कुछ भी, क्योंकि अगर बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बता सकते हैं कि इसका प्रिकॉशन ये लेना है। कोई सप्लीमेंट वाला बता नहीं रहा, वो हाथ खड़ा कर देगा, अरे सामान तो दे दिया तुझे, अब तेरी मर्जी, तू लेना है ओरिजिनल है कि नहीं वो भी आपको नहीं पता कि कैसे क्या है, क्या है, कोई प्रिकॉशन नहीं बता सकता। और जो ऑलरेडी लिया हुआ है सब कुछ, जैसे ये प्रोफेशनल फुल प्रोफेशनल बंदा और किसी लेवल पे पहुंचा हुआ है, अचीव किया है, उसको सारी चीज़ पता होती है। अगर इनकेस कुछ बॉडी में नेगेटिव आ जाती है तो वो फटाफट बता देगा कि नहीं इसका प्रिकॉशन ये लो। अच्छा। हाँ, उसको बॉडी देख के या कुछ सिम्टम से पता चल जाएगा कि इसका प्रिकॉशन क्या लेना है। मतलब कितना साल का लड़का है, 22 साल का लड़का है। 22 साल का। हाँ, और खासकर मैं 18 से 25 साल के जो यंगस्टर है, ये जो 18 से 25 साल की एज, ये बड़े खतरनाक एज है, और इस एज में वो किसी के भी नहीं सुनते। भाई किसी के भी नहीं सुनते, वो सोचते हैं कि 3 महीने में चैंपियन बनेंगे। वर्ल्ड की जर्नी का कैसे माइंड में है, कि अपने वर्ल्ड खेलना है, एशिया खेलना है, वो कैसे माइंड में है? और फर्स्ट कंपटीशन आपका कौन सा था भाई? फर्स्ट कंपटीशन तो मेरा 2000 में था, एयरफोर्स का कंपटीशन था, बट फर्स्ट कंपटीशन में भी मैंने खूब अच्छा तैयारी करके सिल्वर मेडल लिया। अच्छा। हाँ, मैंने स्टेज पर उतरा था और सिल्वर मेडल लेके। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने
2006 में फर्स्ट नेशनल खेला था, फर्स्ट नेशनल में मेरा ब्रोंज मेडल था दार्जिलिंग में, वहाँ पर मैंने शिव कुमार जी, दिनेश असवाल जी, इन सबसे मिला था मैं। अच्छा। हाँ, जितने भी रेलवे के पुराने पुराने बॉडी बिल्डर हैं सारे सबसे मिला था। और फिर 2008-2009 नेशनल, फिर उसके बाद 2011 से लेकर 2014 तक, मतलब मदर मेरी जो भी मेरी, मतलब मदर जो इस बॉडी बिल्डिंग के लिए मेरी काफ़ी सपोर्टिव थी, वो उनकी डेथ हो गई थी 2011 में। उसके बाद मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, 2011 से लेकर 2014 तक मैंने करता रहा बॉडी बिल्डिंग, बट कोई कंपटीशन नहीं खेला था। उसके बाद अगेन मैंने 2014 से स्टार्ट किया कि नहीं करूँगा। फिर 2015 में मैंने नेशनल खेला गांधीधाम में, सेकेंड प्लेस आए। उसके बाद 2015 में ट्रायल दिया एशिया अवार्ड के लिए, ट्रायल में सिलेक्शन लिया, फर्स्ट हो गए। फिर एशिया खेला 2015 सितंबर में, उस पर फर्स्ट गोल्ड आया। हाँ, उसके बाद फिर नवंबर में शायद वर्ल्ड था 2015 नवंबर, उस पर सिल्वर मेडल मिला। और ये भी गोल्ड होता बट मैं एशिया के बाद ऑलमोस्ट छोड़ दिया था कि मैं आगे नहीं करूँगा, वर्ल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत इस पर एक्सपेंसिव, दिस इज बॉडी बिल्डिंग गेम, बहुत एक्सपेंसिव गेम होता है, बहुत खर्चे होते हैं, तो मेरा बहुत खर्चे हो चुके थे, तो इसलिए मैं ड्रॉप करने के लिए सोचा था। बट जो IBUF के जो उस टाइम में जनरल सेक्रेटरी चेतन पठारे सर, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, बोला कि नहीं नहीं तू कर, कंटिन्यू कर, जो होगा हमारे बस के हम स्पॉन्सर करेंगे। तो फिर ओनली 25 डेज था, तो उनका सपोर्ट प्लस मेरी वाइफ का जो मोटिवेशन कि हो सकता है, क्यों नहीं होगा, आप कर सकते हो, आप चैंपियन हो और चैंपियन रहोगे। अच्छा। हाँ, इसका हमेशा ये माइंडसेट में रहना चाहिए। हाँ, मेरी वाइफ का हमेशा वार्निंग ये है कि आप टाइगर हो, चैंपियन हो, हमेशा रहोगे चैंपियन। अच्छा। हाँ, आप जब भी स्टेज उतरोगे चैंपियन बन के ही, आपको कोई हिला भी नहीं सकता। भाई जब आपका मेडल आता है और अपनी वाइफ को दिखाते हो, उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन इवन मैं आपको एक लास्ट जो खेला था 2019 उसका मैं एक बता रहा हूँ। 2019 में जैसे वर्ल्ड का प्री जजिंग खत्म हुआ तो नीचे उतरा, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं इस बार थोड़ा कंपटीशन टफ है। अच्छा। हाँ, टफ है, तो थोड़ा सा मैं अपसेट हो गया, बट फिर वाइफ का मैसेज आया, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था क्योंकि शाम को फाइनल है, सुबह प्री जजिंग हो गया था, शाम को फाइनल है, मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा था। फिर उसका मैसेज आया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फिर फ़ोन किया, मैंने उठाया नहीं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रही थी, तो उसके बाद मैसेज किया कि एक बार तो फ़ोन पिक करो, फिर वीडियो कॉलिंग करी। हाँ, वीडियो कॉल पे फिर मैंने अटेंड किया, तो बोला क्यों क्या हो गया, चेहरा थोड़ा उतरा उतरा लग रहा है ऐसे। हाँ, वाइफ ने बोली चेहरा उतरा उतरा लग, मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे, तू देखा था लाइव, मैंने पूछा ना, हाँ मैंने देखा था, आप बढ़िया हो, फर्स्ट हो। मैंने बोला कहाँ, उस कोई कह रहा है कि नहीं टफ है, कुछ बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जैसे पिछले बार 2016 में मैं जैसे स्टेज से उतरा तो हर कोई बोला कि आउटराइट फर्स्ट हो, कोई आपको टच नहीं कर रहा था। तो इस बार जैसे उतरा नीचे तो काफ़ी एक दो जने ने मेरे को थोड़ा टोक दिया कि नहीं इस बार थोड़ा टफ है, तो बोला कि ये एक दो जने के बाद से आप देखो ना, आप फर्स्ट हो, फर्स्ट ही रहोगे, आप छोड़ो मत, अभी अगला जो फाइनल है, फाइनल में देखो गोल्ड मेडल मेरे को लाके फिर वीडियो कॉलिंग करना। मैं बोला तो इतना कॉन्फिडेंट है? बोला और क्या, मैं कॉन्फिडेंट हूँ 100%, 200%। फिर जब फाइनल हुआ और आउटरेट, आउटरेट मतलब जो मैंने बाद में जो शीट्स होती है ना, नंबर शीट्स, जो किसको कितने नंबर मिले, तो जो मेरा फर्स्ट और जो सेकंड में डिफरेंस कम से कम 10 पॉइंट का था, 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का डिफरेंस था। अच्छा भाई, ये बात तो हुई आपकी जर्नी की, सारी बातें कवर करी भाई। ट्रेनिंग प्लान्स कैसे रहते हैं, कितने टाइम ट्रेनिंग करते हो, क्या क्या डाइट रहती है भाई? मेरी ट्रेनिंग 1.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 1.5 घंटे। हाँ, ओनली वन टाइम मैं ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा। नो डबल टाइम, डबल टाइम नहीं। कोई कोई जैसे मैंने सुना है कि सुबह भी करते हैं। हाँ भाई, मैंने सुना सुबह, फिर 8-10 बजे करते हैं, फिर शाम को अगेन करते भाई। ये कई हो गए, मैंने कंसेप्ट सुना, ये फॉरेन से कंसेप्ट लेके आए कि सुबह कार्डियो करो फिर शाम को वर्क करो। मैं ओनली वन टाइम ट्रेनिंग करता हूँ और वही ट्रेनिंग 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम, जिस दिन लेग्स की ट्रेनिंग होती है 1.5 घंटा। हाँ, बाकी जो अपर पार्ट 1 घंटा में, 1 से 1.5 घंटा में खत्म हो जाता है। उसके बाद आधा घंटा आपका एप्स या कार्डियो जो भी लगा लो। अच्छा। वाला 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उससे ज़्यादा करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा। मेरे हिसाब से ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी, फिर अगले दिन आपको ट्रेनिंग करनी है। आप देखो, आप जो सुबह किया ट्रेनिंग, आपको शाम तक कहाँ बॉडी की रिकवरी, स्ट्रेस उतना दो जितना बॉडी झेल सके आपको शाम तक बॉडी रिकवरी नहीं होती होगी और फिर शाम को आपको रगड़ रहे हो, दोबारा रगड़ रहे हो। आप बॉडी बिल्ड करना है, नॉट बॉडी को उसको तोड़ना नहीं है, मसल बिल्ड करना। इंपॉर्टेंट मैसेज है भाई, मसल बिल्ड करना है, नट की मसल को तोड़ना है। आजकल का कॉन्सेप्ट ये है कि
बट जो है जिनको पता है वो वही करते हैं, एक टाइम ट्रेनिंग अच्छा करते हैं, फिर अगले दिन आपको फ्रेश होकर ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग के टाइम का आपका मूड फ्रेश होना चाहिए, बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, एकदम फोकस रहना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ कल का थकान हो रहा है। समझ गए भाई, आपके पास बहुत बहुत कुछ बहुत क्रिस्प बात बताइए और बहुत अच्छी बात बताइए। अगर आपका मूड फ्रेश है तभी आप ट्रेनिंग में अच्छी ट्रेनिंग कर पाओगे, अच्छी ट्रेनिंग कर पाओगे। चाहे आप आधा घंटे की ट्रेनिंग करो, एकदम माइंड मसल जो कनेक्शन जो होता है ना फुल, आपका दो वेरायटी में सारे पूरा मसल फुल हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और जो करते हैं कि 7 वेरायटी 8 वेरायटी दो तीन वैरायटी में एक्सरसाइज पूरी हो जाए। एक चीज और भाई, अब तो जो फैंसी मशीन्स भी आ गई हैं उतनी की लेग वर्क, मैंने आपकी लेग देखी थी भाई, आपको यहाँ पे फोटो भी नजर आ रही है दोस्तों, आपकी लेग्स में सेपरेशन भी है, साइज भी है। क्या आप कुछ नई टेक्निक से यूज करते हैं मशीन? नई टेक्निक नहीं, ओनली फोकस। अच्छा, आपका जो आप लेग्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको हर एक रेपिटेशन में आपका मसल के अंदर आपको घुसना पड़ेगा। अच्छा, माइंड एकदम 100% टू आप जितना हो सकता है आपको फोकस रखना पड़ेगा। कि या तो नहीं कि आप एक्सरसाइज करो और या सोच रहे हो कि मुझे एक्सरसाइज के बाद कहाँ जाना है, वहाँ पे ये काम रह गया, अच्छा घर पे वो सामान लेके आना है, ये सब चीज़ ये सब दिमाग से हटा दो। आप एक घंटे का ट्रेनिंग करो, एक घंटे के टाइम में आपको कुछ नहीं दिखाई देना नहीं चाहिए। अच्छा, बस ओनली आपको वेट और रिपीटेशन के टाइम में जो मसल का जो वर्क होना चाहिए वही बस घुसना पड़ेगा। अच्छा, जब तक आप उसके अंदर नहीं घुस गए बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा भाई। आप कितना भी कुछ कर लो भाई, जाते जाते एक बार अपनी अचीवमेंट्स बता दो भाई सबको। अचीवमेंट है सर्विसेज में 6 times गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल 4 times गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एशिया 1 गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और वर्ल्ड 2 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल। अच्छा भाई, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करो और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, जाने से जाने एक थम्स अप जरूर देके आना। मिलता हूँ अगले एक नए एथलीट का, टेक केयर, बाय बाय।